दोस्तों बरसात का मौसम हो और ये भुट्टे की चाट आपको खाने के लिए मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो बनाइए फिर आज आप ये चटपटी सी कॉर्न चाट। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न चाट जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और ये एकदम बाजार जैसी बनेगी, क्योंकि जो भी मैंने इसमें सामान डाला है उससे ये एकदम बाजार जैसा स्वाद देने वाली है दोस्तों, और बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट चाट बनती है। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ये चाट देखते ही दोस्तों, तो फिर आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे दोस्तों उबले हुए कॉर्न, जो कि आजकल अभी इस टाइम पे ताजे भुट्टे भी मिल रहे हैं दोस्तों, आप उन्हीं से ये चाट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे 4-5 के लगभग भुट्टे लिए थे, जिनको छील के इनके दाने निकाल लिए और इनको हमने उबाल लिया है और ये अच्छे से उबल चुके थे। तो इनको हम एक बड़े बर्तन में ऐड करेंगे और इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे दोस्तों कॉर्न स्टार्च या फिर जो कॉर्न फ्लोर आता है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और 1.5 चम्मच के लगभग हमें यहाँ पे ऐड करना है। और इस टाइम पे दोस्तों हम बहुत थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से। हर एक दाने पे जो हमने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च डाला है दोस्तों वो अच्छे से मिल जाना चाहिए इस तरीके से। तो अभी हम इसको एक साइड में रखेंगे, ये अच्छे से मिल चुका है। तो अब दोस्तों हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे। हम इन दानों को डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं दोस्तों, इनको करेंगे हम सैलो फ्राई, और थोड़ा सा तेल डाल के हम इनको सैलो फ्राई करेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों एक साथ ही हम सारे दाने नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक भी जाते हैं। और आप जब इनको ऐड करेंगे तो तेज आंच पे करेंगे दोस्तों, अगर आप धीमी आंच पे करेंगे तो ये चिपक भी सकते हैं। तो तेज आंच पे हम इन दानों को ऐड करेंगे और इस तरीके से हम हल्का सा अलग अलग करेंगे, और इनको अभी हमें चलाना नहीं है जब तक एक साइड से ये फ्राई नहीं हो जाती। तो अब एक साइड से ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, तो अब इनको हम इस तरीके से चलाएंगे। तो इसी तरीके से आपको भी करना है दोस्तों, क्योंकि जब हम इनको डीप फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उछलते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इनको सैलो फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ही सावधानी से इनको सैलो फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि कोई कोई दाना है जो दोस्तों वो फट जाता है, तो इसलिए हमें ध्यान से करना होता है। तो अब यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ही कुरकुरे हो चुके हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप इनको भुट्टे के जो दाने हैं इनको आप सैलो फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सारे भुट्टे के दाने हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों सारे भुट्टे हमने एक साथ ही फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए बहुत ही कुरकुरे हैं दोस्तों ये। तो अब इन दानों को हम एक बड़े से बर्तन में ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे दोस्तों मसाले जो इस चाट को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। तो अब दोस्तों इस बड़े से बर्तन में हम जो कॉर्न है वो सारे कॉर्न एक साथ ही इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनको डाल लेते हैं इस बड़े बर्तन में, और बड़े बर्तन में ही डाल के बनाना है दोस्तों, क्योंकि जब हम बड़े बर्तन में चाट को तैयार करते हैं तो जो मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, और काली मिर्च हम यहाँ पर फ्रेश कुटी हुई ऐड करेंगे दोस्तों, और थोड़ी सी ही करनी है हमें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। रखी हुई काली मिर्च हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि उसका अच्छा फ्लेवर नहीं आता है दोस्तों, ताजी कुटी हुई हम काली मिर्च यहाँ पे ऐड करेंगे। और अब दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे हाँ दोस्तों, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है जो भी हम चाट वगैरह बनाते हैं, तो हम थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्च यहाँ पर ऐड करते हैं। और कुटी हुई हम यहाँ पे लाल मिर्च ऐड करेंगे दोस्तों, और आधा चम्मच हम यहाँ पे पिसा हुआ भी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। दोनों तरीके के हम यहाँ पे मिर्च पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से जब हम बनाते हैं। तो ये हमारा मसाला है दोस्तों, चाट मसाला जो हम घर पे बनाते हैं। इसकी जो रेसिपी है दोस्तों उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है अवेलेबल तो आप इसकी जगह चाट मसाला को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है दोस्तों।
स्वाद अनुसार हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा सा ही ऐड करना है दोस्तों, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। तो बारीक कटी हुई हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे दोस्तों। दोस्तों जो मसाला मैंने ऐड किया है, जो घर का बना हुआ, उसकी जगह आप पाव भाजी मसाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब जाएगा दोस्तों इसमें नींबू का रस। चाट बना रहे हैं तो नींबू का रस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो इस चाट को बहुत ही टेस्टी बनाएगा, बहुत ही माउथ वाटरिंग चाट तैयार होने वाली है। अब कर देना है दोस्तों इनको अच्छे से मिक्स इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वीट कॉर्न चाट। है ना कितनी डिलीशियस और कितनी इजी रेसिपी है दोस्तों, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बारिश के मौसम में आप चाय बना लीजिए और ये कॉर्न चाट आप खाइए, उसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।